जय हिंद। एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको कोई भी जानकारी देने से पहले सबसे पहले विश करना चाहूँगा हैप्पी होली। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दबाकर अच्छे से इंजॉय के साथ में अपनी होली खेलें एंड जो भी इंजॉय आपसे हो सकता है पूरा इंजॉय कीजिए। एंड आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली। अब चलिए इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आपकी वैकेंसी निकली है मीटर रीडिंग की पोस्ट पर और साथ ही फील्ड सुपरविजन की पोस्ट पर। मीटर रीडर की जो पोस्ट है इस पर 486 पद निकले हैं। मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में तो जानकारी अच्छे से दूंगा ही, साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो अभी जो गाइज आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि 583 पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। आप इसके फॉर्म 10 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। काफी कम समय आपको मिलता है इस फॉर्म को भरने का एंड इसमें यहां पर आपकी जो वैकेंसी की जानकारी है वो भी दी गई है। बट अगर आपको इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। इसको आप ICSIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। यहां पर 48 नंबर पर यह जो नोटिफिकेशन है और 47 पर है आपको दिया है। अब ये जो ICSIL है ये एक रिक्रूटिंग कंपनी है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति कराती है और इसी तरह से नोटिफिकेशन को जारी करती है। इसलिए यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड यानी कि ICSIL देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर आपको बोला कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द वर्क ऑफ मीटर रीडिंग एंड फील्ड सुपरविजन प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स्ड बेसिस टू बी डिप्लॉयड इन दिल्ली जल बोर्ड GNCTD यानी कि दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आपकी नियुक्ति होगी। एंड ये आपकी वैकेंसी वैसे तो गवर्नमेंट है बट ये आपकी परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली गई है। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड गवर्नमेंट का बोर्ड है बट इसमें जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर निकाली गई है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके फॉर्म 7 मार्च 2023 से स्टार्ट होकर के 10 मार्च 2023 तक भरे जाएंगे और इसका जो क्लोजिंग टाइम है वो आपका 11 बजे यानी कि 11 बजे तक ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिर आती है आपकी वैकेंसी की जानकारी। तो जो आपकी मीटर रीडर की पोस्ट है इसके लिए 486 पद है। अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपल 12वीं पास की योग्यता मांगी है। एज आपकी 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए एंड यहां पर ये जो आपकी ड्यूटीज दी गई है ये ड्यूटीज आपको इस पोस्ट पर रह करके करनी होगी, जैसे कि टेकिंग मीटर रीडिंग, कैप्चरिंग ऑफ इमेज ऑफ मीटर रीडिंग, साइट पोजिशन। बेसिकली जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घरों पर आते हैं जो मीटर रीडिंग करने वाले, आपको जो बिल देकर के जाते हैं वही काम आपको इस पोस्ट पर रह करके करना है। इस पर आपको 20,357 रुपये एज पर मिनिमम वेजेस जो सैलरी है वो दी जाएगी। इसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट है या आपकी फील्ड सुपरवाइजर या फिर फील्ड सुपरविजन की, इसमें जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपकी डिग्री है। किसी भी फील्ड में आपने डिग्री की है तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे एंड इसके लिए 97 वैकेंसी निकाली गई है। इस पर आपको ये सभी काम करने होंगे जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं एंड इस पर सैलरी आपको 22,146 रुपये पर मंथ दी जाएगी। इसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लीजिए। बेसिकली इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है बट आपको 6 पॉइंट में बोला है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ ₹1,000 जो कि नॉन रिफंडेबल है, शैल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ फाइनल ज्वाइनिंग फ्रॉम दोज कैंडिडेट हु विल बी इश्यूड अपॉइंटमेंट लेटर एंड कम फॉर ज्वाइनिंग। यानी कि यहां पर ये ₹1,000 आपसे तभी लिए जाएंगे जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, तब आपको ये ₹1,000 दुखेंगे नहीं। एंड सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन आपका शॉर्टलिस्ट करके किया जाएगा। जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म को भरेंगे उन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद में आपका एक छोटा मोटा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि कोई एग्जाम आपका इसके अंदर नहीं होगा। आप 12 पॉइंट में देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ DOB यानी कि आपके DOB को वेरीफाई करने के लिए, क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस को अगर आपके पास कोई है एंड साथ ही आप यहां पर इंटरव्यू या फिर इंटरेक्शन जिसको आप कह सकते हैं ये आपसे लिया जाएगा। तो ये हुआ आपका इस भर्ती का एलिजिबिलिटी प्रोसेस कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और कौन लोग नहीं है। तो इसमें वैसे तो ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी है कि इसमें सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, आप इसमें कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहां पर मैंने आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है, आप जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको आना है और आपको क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर आपका नाम आधार के अकॉर्डिंग लिखना है, जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप अपना यहां पर लिखेंगे। ये नाम लिखने के बाद में आपको यहां पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी
जो कि आधार कार्ड के अंदर है वो DOB आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन आता है आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी ईमेल पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। देन आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है इन सभी को चेक करेंगे और चेक करने के बाद में आपको साइन अप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आप देखेंगे साइन अप फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको एक यूजर नेम मैसेज के माध्यम से मिला होगा, आपको जो मैसेज मिला है उसमें आपका यूजर नेम दिया गया होगा, वो यूजर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड जो आपको मैसेज है उसी में एक पासवर्ड भी देखने को मिल रहा होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन लॉग इन पर क्लिक करना है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा, साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल की जानकारी फिल करनी है, आपका नेम दिया है, अभी आपको यहाँ पर 2 पॉइंट में आपके फादर का नेम देना है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके पति का नाम एंटर करेंगे, और यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट है तो फिर आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स में अपनी पत्नी का नाम देना है। फिर आपकी DOB यहाँ पर दी गई है, ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है, आपकी स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। 9 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, फोन नंबर अगर आप कोई अन्य भी देना चाहते तो आप 10 पॉइंट में दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर 12 पॉइंट में भी कोई अन्य नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहते हैं। इसके बाद आपको 13 पॉइंट में फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट PNG, JPG, EG यानी कि इनमें से कोई भी चल जाएगा, 2 MB से कम साइज होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहां से ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपका फोटो आ जाएगा, फिर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आपकी आईडी अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एड्रेस 14 पॉइंट में आपको लिख देना है। फिर आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है और यहां से ओपन कर लेना है, ये भी आपका यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, अब यहां पर आपका आधार नंबर है, आपका नेम है, इसके बाद है अपलोड आधार, आपको आपका आधार कार्ड अपलोड करना है, आपको आपके आधार कार्ड का फ्रंट भी और बैक भी एक इमेज में एडजस्ट कर लेना है पिक्स आर्ट ऐप का इस्तेमाल करके, और फिर आपको फाइल यहां पर अपलोड करनी है। इसके बाद आपको आपका पैन कार्ड का नंबर देना है, जो कि देना अनिवार्य है, और फिर आप यहां पर भी आपका जो पैन कार्ड है वो अपलोड कर देंगे। फिर आता है सेक्शन 3 क्वालिफिकेशन, तो आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर सबसे पहले यहां पर जो जानकारी देनी है वो आपको यहां पर 10th की देनी होगी, तो आप यहां पर सेकेंडरी स्कूल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद में कोर्स 10th यहां पर आ चुका है, किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10th किया उस बोर्ड का नाम आप यहां पर एंटर करेंगे, किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप सेलेक्ट कर लेंगे, स्ट्रीम सब्जेक्ट के अंदर आप यहां पर ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे क्योंकि इस चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहां पर लिखेंगे, एंड जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है। ये अपलोड करने के बाद में आप यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप यहां पर जो आपकी 12th है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहां पर आपको 12th के लिए ऑप्शन दिया गया है डिप्लोमा 10+2 लेवल डॉक्टरेट डिग्री, तो इसमें से आप यहां पर जो सिलेक्ट करेंगे वो है हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th, ये सिलेक्ट करने के बाद में 12th यहां पर आ चुका है। इसमें यहां पर कुछ और विकल्प भी है बट आप यहां पर 12th का सेक्शन ही सिलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आप यहां पर लिखेंगे, किस साल के अंदर आपने की है वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे, स्ट्रीम के अंदर आपको बताना है कि आपने PCM PCB आर्ट्स कॉमर्स किससे किया है वो आप यहां पर लिख देंगे, फिर आपको बताने कि आपकी परसेंटेज कितनी थी और आप यहां पर 12th का सर्टिफिकेट भी दे देंगे। अगर आप फील्ड सुपरविजन की पोस्ट पर अप्लाई करें तो आपको प्लस का आइकन पर एक बार फिर से क्लिक करना है और यहां पर आपको बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, इनमें से आपके पास कौन सी डिग्री है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर इनमें है तो सेलेक्ट करें, नहीं तो आप यहां पर
स्टैंडर्डाइजेशन इन एनी डिसिप्लिन, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, कौन से स्ट्रीम में किया उस स्ट्रीम का नाम आपको देना है, परसेंटेज आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, एंड जो आपका सर्टिफिकेट है डिग्री का वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है एक्सपीरियंस का सेक्शन, जो कि इस पर जरूरी नहीं है देना, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है ये वाले 4A, 4B, 4E, ये आपको खाली छोड़ना है। बेसिकली 4E में पूछे कि प्लीज सिलेक्ट कैटेगरी विच एवर इज एप्लीकेबल, तो आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी है, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछे आर यू प्रेजेंटली वर्किंग विद ICSIL, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करते हुए अपडेट पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में आप यहाँ पर एप्लीकेबल जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी दोनों पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि मैं अप्लाई करता हूँ मीटर रीडर की पोस्ट पर, तो मैं यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो आपने अभी प्रोफाइल के अंदर जानकारी भरी है वो जानकारी दी गई है, आप इन सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर टिक करेंगे, एंड देन अगर आप अभी भी कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जॉब अप्लाइड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर जो आपका एडवर्टाइजमेंट कॉपी है वो तो ले ही सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाइड के सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर जो आपका अप्लाइड जॉब्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी जॉब का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं कि इसका स्टेटस अप्लाइड हो चुका है। एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पर दी गई है। तो गाइज अभी आपको इसका PDF लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आप कैसे लेंगे, तो आपको यहाँ पर जो ICSIL 47 ये लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का जो प्रिंट है वो आ चुका है। आप यहाँ पर पूरी जानकारी वेरीफाई तो कर ही सकते हैं, साथ ही आप प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे। एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग ICSIL का ये फॉर्म कंप्लीट वे में फिल कर पाएंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।